अब ये जो संत महात्माओं के नाम पे लिबास ओढ़ करके जो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी पारसी, ये सब मानव मस्तिष्क की उपज है। चिंटू जगह जगह है, अभी बाड़मेर के अंदर कैसे बयान दिए उन्होंने चिंटुओं ने, ये सब क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये समाज को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। चुनाव आ रहे हैं, जैसे अडानी ने जो किया, इसका गुब्बारा टाइटाइफिस हो गया, 20 साल से इसको बड़ा बनाया, 2 मिनट लगे गुब्बारे को फुस होने में। कुरान मेरा सब्जेक्ट है क्या? मैंने कुरान पढ़ी है क्या? जो पढ़ते हैं, जो उनके अथॉरिटी है, आप उनसे पूछो ना ये प्रश्न। देखिए, मैं उनका कोई हॉलमार्क सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी नहीं हूँ, वो तो उनसे पूछिए कि उनको क्या लाभ लेना है राजनीतिक दलों से, वो किन के कहने पर बोल रहे हैं, किन ने उनके गले में घंटी बांध रखी है। पूरे देश में मुस्लिमों को और ईसाइयों को लेकर मारकाट की बात की जा रही है, हथियारों और हथियार रखने की बात की जा रही है, चाहे वो रामदेव बाबा हो मंच से बोल रहे हैं, सब भगवाधारी पटका पहनकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, उसके बावजूद भी तमाम लोग इस तरीके के धर्म संसद सजाकर मारकाट की बातें कर रहे हैं। उसी सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हर्षानंद स्वामी जी। तो हर्षानंद स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट की एक बयान के बाद और इस टिप्पणी के बाद भी जो है लगातार भगवाधारी जो धर्म संसद सजा रहे हैं, मारकाट की बात कर रहे हैं, हथियार रखने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब, कानून को भी नहीं मानते हैं, संविधान को भी नहीं मानते हैं? हर्ष और आनंद की वाटिका में आप सभी का आदर सत्कार है, खूब खूब अभिनंदन। विश्व के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के मुखिया ने ये कहा कि ये जो शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण है, ये पंडितों के दिमाग की उपज है। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। मैं 45 साल से बच्चों में, बंदियों में काम कर रहा हूँ। मेरा सपना है भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये काम कैसे कर रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। सोशल मीडिया के जरिए मैं देश के तमाम नागरिकों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, यकीनन शूद्र वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है, जानिए कैसे। शूद्र सफाई कामगार, मल मूत्र पसीना का बार फेंकता है। वैश्य, जो हम आहार ग्रहण करते मुख से, जो हम प्राण ग्रहण करते नासिका से, जो हम विचार ग्रहण करते ईयर ड्रम से, इन तीनों को मिलाता है और डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करके ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, ये उसका कार्य है। क्षत्रिय, ये हृदय बिना रुके थके निर्बाध गति से शरीर की देवालय की रक्षा करता है, एक सेकंड भी ट्रिप नहीं मारता। और ये ज्ञानेंद्रियां कंठ से ऊपर यानी मुख पे, ब्राह्मण है, ये शरीर का सेवक के रूप में इस्तेमाल करती है, राइट। अब मेरा ये कहना है भागवत जी कि आप दुनिया के टॉप रिसर्च स्कॉलर को बुलवाइए जो शरीर पर अनुसंधान कर रहे हों। मैं गारंटी के साथ ये सिद्ध कर दूंगा कि शूद्र वैश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन मानव जाति ये समझ जाएगी, आप लिख लीजिए, उसी दिन से इस धरती पर आने वाला हर नवजात शिशु विवेकानंद से कम नहीं होगा। जो प्रकृति की बगिया को गुलजार करेगा और दुनिया में खूबसूरत लोकतांत्रिक देश उभरेंगे, ये बहुत ही पवित्र संदेश है, ये छोटा मोटा संदेश नहीं है, हमें समझना चाहिए। आपने प्रश्न किया सेफ्रॉन का, ये सूर्य भगवान का कलर है, ये हमें जन्म और मृत्यु का संदेश देता है। जब ये सूर्य सनराइज करता है और सनशेड करता है, दोनों समय सेफ्रॉन यानी भगवा कलर होता है। वो कहता है बच्चों, तुम इस धरती पर 100 साल के लिए भी अगर आए हो, वैसे तो WHO कह रहा है कि इंसान की, भारत के इंसान की उम्र 68 साल है, पर मैं 100 साल बहुत रियायत से बात करता हूँ, तो 36,500 दिन हैं, 18,250 दिन तो खाना पीना सोना भोगना में गए, बचे 18,250, एक पार्ट बचपन एक बुढ़ापा, 6,000 दिन की जिंदगी है। अब ये जो संत महात्माओं के नाम पे लिबास ओढ़ करके जो समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध यहूदी पारसी, ये सब मानव मस्तिष्क की उपज है। प्रकृति ने ये नहीं बनाया, प्रकृति ने सिर्फ 2 जातियाँ बनाई, मेल एंड फीमेल, और ये जो थर्ड जेंडर है वृहन्नला, ये विकृति का परिणाम है। मैंने 21 जून 2015 को भारत सरकार को पत्र लिखा था कि आप 2 घोषणाएं कर दीजिए, योग इज 1:1 और संसार में 2 जातियां मेल एंड फीमेल। यकीनन इन 9 सालों में भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बनकर उभरता, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अभी अभी भागवत जी ने बयान दिया, काश इन्होंने ये बयान 2015 में दिया होता तो 9 साल बहुत लंबी अवधि होती है, देश का दृश्य बदल चुका होता, ये हिंसा मारकाट वैमनस्य सब समाप्त हो चुकी होती। ये जो धर्म की आड़ लेकर के इस समय जो नफरती चिंटू बाजार में उतरे हैं, ये धार्मिक चादर ओढ़ करके समाज में जो नफरत फैला रहे हैं, इनको राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है।
अब आप बात जुडिशरी कर रहे हैं तो जुडिशरी को तो सो मोटो संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं ले पाएंगे। अगर मैं कुछ गलत बोल दूं इनके बारे में, आप देखिए 24 घंटे में मुझे उठा लिया जाएगा। बात समझिएगा, इनको इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं भगवादारी हूँ, इनको इससे लेना देना है कि उनको मैं कितना सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके विरोध में आते ही तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। अब बात को समझिएगा गहराई से, सोचने के लिए दिमाग है, पेट नहीं है। पेट से सोचोगे तो आपके ये सब दृश्य नहीं दिखेगा। ये चिंटू जगह जगह है, अभी बाड़मेर के अंदर कैसे बयान दिए उन्होंने चिंटुओं ने, ये सब क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि ये समाज को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उनके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। चुनाव आ रहे हैं, मैं देश की जनता से अपील करता हूँ इनके भटकाव में मत आओ। मैं सारे पंथों से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ा सहन करो इनको, ये चाहते हैं, ये सब यही चाहते हैं कि कैसे भी करके वोटों का ध्रुवीकरण हो, और वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो फिर देश की फिजा बिगड़ेगी। मेरा आपसे कहना है, भारत एक अच्छे लोकतंत्र में तब विकसित होगा जब आप अपने वोट का सदुपयोग करना सीखोगे। अब जिंदा मुर्दाबाद का जमाना गया, अब सीधी सीधी बात है, वोट का सदुपयोग करना सीखो। और सोशल मीडिया को मैं बधाई देने आया हूँ, आप लोग अच्छे ज्ञानवंत बनो, अच्छा पढ़ो लिखो, सुनो, फिर प्रश्न करो, ताकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर सामने आए जो मेन स्ट्रीम मीडिया सपने में सोच भी नहीं सकती है। जैसे अडानी ने जो किया, इसका गुब्बारा टाइटाइफिस हो गया है, 20 साल से इसको बड़ा बनाया, 2 मिनट लगे गुब्बारे को फुस होने में, सारी दुनिया में त्राई, सारी दुनिया में थूतू हो रही है। इसका रिएक्शन धीरे धीरे आएगा, अभी तो शेयर बाजार गिरा है। अर्थव्यवस्थाई अर्थविज्ञानी वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। अभी फेसबुक ने 11,000 आईटी के लोगों को बाहर निकाल दिया, अरे दुनिया में त्राई त्राई मची हुई है रोजगार को लेकर के, आप समझिए, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सारी दुनिया में जब मद्दी की गिरफ्त में था सारी दुनिया, तो भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मद्दी की गिरफ्त में भारत को नहीं आने दिया था, ये भी इतिहास है। आप समझिए, गहराई से अध्ययन करो, ऐसे प्रश्न पूछो कि मैं आपको सही उत्तर दे सकूं। सॉरी, मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि ऐसे प्रश्न पूछो, प्रश्न तो बनता है ना, अगर वो मीडिया जो टीवी मीडिया अगर नहीं दिखा रही है, हम दिखा रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन ये सैफ्रोन कलर जो तिरंगा एजेंडा है, वो 3 कलर लेकर के बनता है, लेकिन सैफ्रोन को इतना तवज्जो दिया जाता है, महत्व दी जाती है, लेकिन आज जो है सैफ्रोन इतना हल्का कर दिया गया है कि कोई भी इसको ओढ़ कर मंच सजाता है और इस तरीके की जो है मारने काटने की बातें करता है। अब मैं जब कहता हूँ कि आप लोग अध्ययन करके आओ, तो आप लोग उस विषय को गंभीरता से लो। तिरंगे में 3 रंग नहीं है, 4 रंग है। आप गौर से देखिए, और ये जो रंगों की भाषा डॉक्टर सीवी रमन ने दी थी, सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सैफ्रॉन, सूर्य भगवान से लिया गया। बीच में कौन सा कलर है? सफेद, जल से लिया गया। नीचे कौन सा हरा कलर? वनस्पतियों से लिया गया। और उसमें तीलिया चोइस कौन से कलर की? ब्लू, आकाश से लिया गया। राइट, वायु दिखाई नहीं देती, इन सब की लीडर है। ऐसे लीडरशिप पैदा करने के लिए हमें राजनीतिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना होंगे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात करते हो, 30 रुपए का अखबार छपता, 2 रुपए में बिकता है, 28 रुपए एक अखबार पे घाटा, लाखों अखबार छपते हैं, उनकी पूर्ति कौन करेगा? आप करेंगे? मैं करूंगा? अरे सरकार विज्ञापन से करती है, तो वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये सीधा सीधा समझना पड़ेगा आपको। ये जो इक्विपमेंट लगाए हुए हैं इन्होंने, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, अगर 1 मिनट लाइट चली जाती है, करोड़ों का नुकसान है बेटा। वो सारी पूर्ति कौन करेगा? विज्ञापन। तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब चारण भाट बन चुकी है, वो पिंजरे का तोता है, वो वही रटा हुआ वही बोलेगी जो उनको रटा के भेजा जाएगा, उसके आगे बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कम है। अगर आप लोग मेहनत करोगे, ईमानदारी से अच्छे प्रश्न करोगे और समाज में सही सूचनाएं पहुंचाओगे, आपको लाभ मिलेगा। रामदेव ऐसे बयान क्यों देते हैं? हाँ जी, मुसलमानों को लेकर रामदेव, आपको पता नहीं कि वो इतने बड़े दुकानदार बने कैसे योग करते करते? योग तो प्रकृति से जुड़ने की कला है। योग की आड़ में जो बिजनेस फैलाए गए, उनको दूध भी बेचना है, जींस भी बेचना है, सारी चीजें बेचना है, तो बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए कि नहीं? उन्होंने तो कोविड की भी बना दी थी दवाई, आपको पता नहीं है? हैं? आप बताइए, बिना प्रमाणिकता के हाल मार्क लगा देते हैं वो, कितना उनको कॉन्फिडेंस है कि ये सिस्टम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको वो राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। अब आ गए ना मैदान जंग में, अब वो राजस्थान में जाके अटैक कर रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार है? 22 जून 2009 को इसी अशोक गहलोत ने मेरा ये अभियान चोरी किया था, वार फॉर प्योर, शुद्ध के लिए युद्ध, जाके चेक कर लेना। 22 जून 2009 उन्होंने मिलावटी वस्तुओं पर लागू किया। मैं 45 साल से अभियान को चला रहा हूँ कि भारतीय समाज में मौजूद वर्ण व्यवस्था शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। जिस दिन आप ठीक से जान जाओगे, इस दुनिया में चमत्कारिक मानव पैदा होंगे। लेकिन
उसको गलती को सुधारने के लिए मैंने अभियान चलाया, उस अभियान को मटियामेट कर दिया उन्होंने, मिलावटी वस्तुओं पर लागू कर दिया, उसी की देखा देख कमलनाथ ने लागू कर दिया मध्य प्रदेश में। पर मैं उनको आज माफ़ करता हूँ, अपने हृदय से माफ़ करता हूँ, और आज मैं इस अभियान का नाम ही बदल देता हूँ, शुद्ध के लिए बुद्ध। ये भारत जो है वाल्मीकि महाराज ने डाकू से सन्यासी बनने का, संत बनने का दिशा दर्शन दिया समाज को, वाल्मीकि महाराज। महात्मा बुद्ध ने अंगुली माल का हृदय परिवर्तन किया, तो इन दो साधुओं को लेकर के मैं इस अभियान को नाम देता हूँ, शुद्ध के लिए बुद्ध। अब प्रश्न करिए, तो रामायण को आपने किस जमाने में लिखा था? उस जमाने में दूध को सहेजना नहीं जानता था आदमी, आज दूध की 2000 मिठाई बनाना जानता है, तो माइंड अपग्रेड हो गया। जब वो लिखा गया था उस समय ताड़ना शब्द का उस जमाने में क्या अर्थ था? हम बच्चे थे, हमारे कान पकड़ के हमें हमारे गुरुजी मुर्गा बनाते थे, तो उस ताड़ना में तो प्यार छुपा होता था। लेकिन आज संदर्भ बदल गए हैं, आज बच्चों का आप हाथ पकड़ नहीं सकते, उसका कान पकड़ नहीं सकते, FIR हो जाएगा। तो समय के साथ बदलाव करना चाहिए। 100% जब संविधान में बदलाव हो रहा है तो संविधान से बड़ी है कि रामचरितमानस? फिर वही बात है कुरान मेरा सब्जेक्ट है क्या? मैंने कुरान पढ़ी है क्या? जो पढ़ते हैं, जो उनके अथॉरिटी है, आप उनसे पूछो ना ये प्रश्न। मैं सनातन से आता हूँ, सनातन संस्कृति का प्रचारक हूँ, सनातन में जो विकृतियाँ उनको सुधारने की बात आप मुझसे पूछो। फिर वही बात है, मैं किसी बाबा का न पक्षधर हूँ ना विरोधी हूँ, सनातन का प्रचारक हूँ, और सनातन के नाम पे जो विकृतियाँ फैला रहे हैं उन सब का मैं खंडन करता हूँ, फिर वो चाहे कोई भी हो। संत होना और संत दिखना दोनों अलग बात है, संत सत्य का प्रतीक होता है। तमाम हिंदू जो है अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम भी सनातनी है, कट्टर सनातनी है। बेटा, हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, हैं तो इंसान ही। लेकिन आज जो अब ट्रेंड कर रहा है वो है कट्टर सनातनी, तो कट्टर सनातनी कौन है? कट्टर और सौम्य क्या होते हैं? सनातन का मतलब होता है जो प्रकृति से प्यार करता है, पुरुषार्थ करता है, और सब जीवों में अपना ही रूप देखता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब जीवों से प्यार करो, यहाँ कोई नहीं पराया, वो सनातन है। जो बांटता समाज को वो सनातन कैसे हो सकता है? सनातन तो प्यार करना सिखाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? पोती पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। फिर आगे कहते हैं वो, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा था अपनो मुझसे बुरा न कोई। में अजान भी गाई थी, नवाज पढ़ी थी साथ, तो बाबा रामदेव उसी की बात करते कि नवाज पढ़ के चाहे आप कुछ भी करें। हाँ, मैं तो सब पढ़ता हूँ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं तो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता हूँ, मैं तो प्रेयर भी करता हूँ चर्च में जा करके, और मंदिर में जा करके प्रार्थना भी करता हूँ। देखिए, मैं उनका कोई हॉलमार्क सर्टिफिकेट देने वाली एजेंसी नहीं हूँ, वो तो उनसे पूछिए कि उनको क्या लाभ लेना है राजनीतिक दलों से, वो किन के कहने पर बोल रहे हैं, किन ने उनके गले में घंटी बांध रखी है। वो योगा इंस्ट्रक्टर है, मैं भी योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योगा इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रकृति से प्यार करना सिखाना, जोड़ना सिखाना, जो तोड़ता है वो योगा इंस्ट्रक्टर हो नहीं सकता। मेरा कोई योग प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, आत्मावलोकन का विषय है, यही तो भ्रम है आप लोगों को। अभी आपने राम की बात की, राम इतने पुरुषोत्तम थे, तो उनके नाम पर जो तमाम लोग दंगाई जो है मारपीट करते हैं, लिंच कर देते हैं, बोल जय श्री राम, तो वो लोग कौन हैं? वो धर्म, क्या राम वो धर्म की आड़ में, वो धर्म की आड़ में राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त गुंडे मवाली अपराधी किस्म के लोग हैं, जो इस तरीके से समाज का ध्यान भ्रमित करके वोटों की खेती करना चाहते हैं, उनका लाभ पहुंचवाना चाहते हैं, बस। तो आप ये मानते हैं 2014 के बाद से जो है पूरा जो राष्ट्र बदला है, अब जो है हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो रहा है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू तो एक जीवन पद्धति है बेटा। अगर हिंदू राष्ट्र जो आप कहते हो, आपकी जो अवधारणा है, जो आप लोग समझते हो, अगर वैसा बन गया तो दुनिया का सबसे पिछड़ी राष्ट्र हो जाएगा। हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश जिसमें सब लोग प्रेम प्यार से रहें, राम राज्य की तरह पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करें, हमारा राम राज्य तो वो है। RSS कह रही है, मोहन भागवत ने तो ये मोहन भागवत ऑर्गेनाइजर जो उनका मैगजीन है उसमें
नहीं नहीं, मैगजीन में तो सब विचार लिखते ना अपने अपने लोग। आरएसएस का जो मुखिया मोहन भागवत, उसने दो दिन पहले ये बयान दिया है कि पंडितों के दिमाग की उपज है शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण। मैं उसका समर्थन करने आया हूँ, क्योंकि मेरे 45 साल की बात को उसने एक कदम आगे बढ़ा दिया। अब मैं मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप रिसर्च स्कॉलर बुलाइए, साइंटिस्ट, मैं ये सिद्ध करूंगा। ये जो आपने अभी बताया ना, करती क्या लग रहा है, बाबा रामदेव नवाज को रोकना चाहते हैं? अरे वो इतना बड़ा आदमी नहीं कि मेरे से आप सर्टिफिकेट दिलवा रहे हो, आप समझिए। उनको राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है, वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपना धंधा बढ़ाने के लिए उनकी आमें मिला रहे हैं। वो कौन सा चुनाव लड़ते हैं? अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़वाना, आप समझ रहे हो, दो तरह के लोग होते हैं। एक आदमी चेहरा होता है, एक आदमी पर्दे के पीछे काम करता है। वो पर्दे के पीछे माहौल बनाने का काम करते हैं, इसका पैसा लेते हैं। सीधी सीधी बात है, बिजनेस का गणित है। एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो है वो बोलते हैं, बयान देते हैं कि भाई जो नेता लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ इस तरीके की बातें ना करें, लेकिन यहाँ पर धर्म संस्था है यही इसी जंतर मंतर पर संडे को, और मारने काटने की हथियार की बात की जाती है। तो ये कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को भी नहीं मान रहे? ये आप कह रहे हो, संविधान को भी नहीं। प्रधानमंत्री की पावर क्या है? दो दिनों से सदन स्थगित हो रहा है, अडानी पे चर्चा नहीं करवा रहे। प्राइम मिनिस्टर की पावर आपको समझ में नहीं आ रही? प्राइम मिनिस्टर चाहे ना एक मिनट के अंदर जितने भी चाचू चाचू करने वाले, एक मिनट भी नहीं लगेगा, सब गायब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का पावर आप नहीं समझ रहे हो क्या है? सारे लोग सड़कों पे बेचारे हजारों किलोमीटर दौड़ लिए इस चक्कर में कि उनकी आवाज को दबा दिया गया, माइक बंद कर दिए गए, आपको सब नहीं दिख रहा है? अरे अच्छे अध्ययन करके प्रश्न करो बेटा। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, वो चाहे पूरे सिस्टम को नचा सकता है एक घंटे के अंदर। अध्ययन करके ही तो स्वामी जी पूछ रही हूँ कि भाई सैफरन पहन के सनातनी, अपने आप को कट्टर सनातनी बता के, और यहाँ खुलेआम बोला जाता है कि मैं 80 जो है खून कर चुका हूँ, मेरे ऊपर आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, निकालो हथियार, मारो इन ईसाइयों को, इन मुसलमानों को। तो अब ये तो एजेंसियों को आप रिपोर्ट करो ना बेटा, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर सनातन की बात कर रहे हो और सैफरन की बात कर रहे हो तो मैं कहना हूँ सूर्य भगवान का कलर है। आप अभी देख लीजिए, अभी अस्त होने वाले सूर्य भगवान यही कलर से अस्त होंगे, और जब सुबह आएंगे तो यही कलर देख लेना, अगर मैं गलत हूँ तो। महाराज जी, आपने कहा मैंने मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन किया, तो जो नपति चिंटू है वो क्या मानेंगे इस बात को? सवाल ये नहीं कोई माने या ना माने, एक अगर कोई उस पद पे बैठा हो, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के मुख्य पद पे बैठा हुआ है, और उसने अपना एक विचार रखा है, जो 45 साल से मैं समाज के बीच में काम कर रहा हूँ, और उसने मेरी बात पे मोहर लगा दी कि दुनिया में सिर्फ दो जातियाँ मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल, तो मैं अब उसको वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना मेरा काम है, उनका काम नहीं है। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा दिया है, अब मुझे समाज में सिद्ध करके दिखाना है कि शूद्र व क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। अगर मैं ये कर सका तो आने वाली नस्लें खुशहाली के गीत गाएगी, इसलिए मैं उनको बधाई देने आया। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्वामी हर्षानंद जी, जो तमाम सैफरन कलर को पहनकर, भगवाधारी कलर को पहनकर लगातार जो यहाँ पर धर्म संसद सजाए जाते हैं, जगह जगह धर्म संसद सजाए जाते हैं, अभी रामदेव बाबा का ही चाहे वो बयान हो, राजस्थान में बाड़मेर में जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को ईसाइयों को काटने की बात की जाती है, भगवा पहनकर जो है, भगवा चोला ओढ़कर तमाम ऐसे जो गुरु हैं अपने आप को बताते हैं चमत्कारी बाबा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन वो देखिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं, ना ही प्रधानमंत्री जी के उस बात को मानते हैं। तो ये वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री का भी आदर नहीं कर रहे हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट का आदर कर रहे हैं? तो इन लोगों पर शिकंजा कब कसा जाएगा? तमाम ऐसे लोगों से जो हर्षानंद बाबा जो हैं, अभी मैंने उनसे बात की तो बचते बचाते नज़र आए कि कहीं ना कहीं उन्होंने बचाव करते हुए बोला कि सैफरन कलर इस तरीके से होता है, शांति का प्रतीक है, मैं भी प्रचारक हूँ, लेकिन ये तमाम लोग जो हैं पद पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। तो क्या बाबा हर्षानंद सनातनी होते हुए भी इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो क्या इनको पद नहीं मिल रहा है, ये इसलिए ऐसे बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई मैं अगर इनके खिलाफ बोलूंगा तो मेरे ऊपर भी जो है कार्रवाई हो जाएगी। तो तमाम ऐसी बातों पर जो है चर्चा होनी चाहिए कि जो देश में घट रहा है उस पर प्रधानमंत्री भी लगातार रोक लगाने की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, लेकिन उनकी बातों को नकारते हुए तमाम लोग ऐसे नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, संसद मार्ग, दिल्ली।